स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 20 साल बाद फिल्म कर सकते हैं सलमान और ऐश्वर्या। संजय लीला भंसाली एक रोमांटिक प्रोजेक्ट के लिए साथ आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम फिलहाल हम दिल दे चुके सनम 2 बताया जा रहा है। हालांकि अभी अधिकृत रूप से टाइटल की घोषणा नहीं हुई है। रोमांटिक फिल्म में अभिनेत्री की कास्टिंग पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। खबरें हैं कि प्रोजेक्ट में सलमान अपने अपोजिट कैटरीना कैफ को चाहते हैं, लेकिन भंसाली को इससे एतराज है। खबरों के मुताबिक रोमांटिक सागा में दबंग खान कैटरीना को अपने को स्टार के रूप में चाहते हैं, जबकि भंसाली कैटरीना को नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं। बता दें कि भंसाली और दीपिका ने कई फिल्मों में एक साथ काम लीडिंग अभिनेत्री के नाम में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चर्चा तो यह भी है कि भंसाली अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यह भी खबर थी कि सलमान ने अपने अपोजिट अनुष्का शर्मा का नाम भंसाली को सुझाया था। सूत्रों की माने तो इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट और जानवी कपूर के नाम पर भी विचार किया गया है, लेकिन भंसाली को लगता है दोनों अभिनेत्री सलमान के सामने ज्यादा यंग लगेंगी और जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म में सलमान खान के साथ प्रियंका चोपड़ा कास्टिंग भी संभव है। दरअसल कॉफी विद करण 6 में प्रियंका ने कहा था कि उनकी किसी प्रोजेक्ट को लेकर भंसाली और विशाल भारद्वाज के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में संभव है कि इस रोमांटिक ड्रामा में सलमान के साथ प्रियंका को देखा जाए। जब तक लीडिंग अभिनेत्री की कास्टिंग पूरी नहीं हो जाती, भंसाली के इस फिल्म को लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहेगा। वैसे जहां तक ऐश्वर्या की बात है, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे सलमान के अपोजिट काम करना चाहेंगी। वैसे भंसाली सलमान के इस प्रोजेक्ट की शूटिंग इस साल सितंबर के आसपास शुरू होगी। तब तक सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग खत्म कर लेंगे। इस फिल्म का निर्माण सलमान और भंसाली मिलकर करेंगे। इसे 2020 में रिलीज किया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।